हो गया तुम्हें ये बताओ, बताओ ना जल्दी से बता दो। हम सब घूमने गया था, स्कूल नहीं गया था। क्यों क्यों नहीं गया स्कूल बताओ तो, बताओ तो क्यों नहीं गया ये बताओ जल्दी से। क्यों नहीं गया था? ये मेरा टीचर जैसा मैम चले गए। ठीक है रखो, बताओ क्या चीज़ तेरा संडे नहीं है? तुम्हारा संडे है आज, इसलिए नहीं गया स्कूल? अब पैसा दिया कि नहीं स्कूल में? नहीं दिया पैसा, क्यों भाई? ये इसका फेवरेट चीज़ है, इसको अगर बुलाना है तो ये दे दीजिए, ये अपने आप आ जाएगा, आके गोद में इतना प्यार से बैठ के बताएगा ये, सब बात बता देगा। बीच में परसों आया, कल आया था कि परसों आया है? कल आया, परसों आया था। हाँ कल नहीं आया, परसों आया था। तो इसको सौंप नहीं दिया गया तो ये तुरंत चला गया था, सौंप नहीं दिया था ना परसों तुमको, इसीलिए चला गया। आज आते मिल गया तो ये बैठ गया है। टीवी का आजकल छतरी ख़राब है तो देख नहीं पा रहा है, इसीलिए नहीं। सेटअप बॉक्स खराब है, सेटअप बॉक्स खराब है क्या? हमको क्या पता, हम कौन देखने जाते हैं? अक्षत, अक्षत पैसा नहीं दिया स्कूल में? क्यों भाई, पैसा देना चाहिए ना बताओ। तेरे पास में पैसा नहीं है? कहाँ गया तेरा पैसा? हरा गया? ओहो कहाँ हरा गया? जंगल में? तुम जंगल गया था क्या? जंगल गया था? कब गया था? अकेले? हमको लेके गया था? नहीं आपको नहीं लेके गया था? ये बोला हमको नहीं लेके गया, आपको भी नहीं लेके गया। ओ मेरे को भी नहीं लेके गया था, अकेले गया तुम? हमको लेके जाना चाहिए था ना तुमको, जाना चाहिए था ना, पर लेके नहीं गया तुम, है ना। जाओ दीदी खाना दे दो, मुझे खाना दे दो, चलो। कैसे पढ़ाई करेगा ये? ए कूद मत जा रे इसके ऊपर, ये ऊपर बैठेगा, मुझे जाता पता है। ये लो अरे 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 अरे, उतना ये नहीं है बाबू, ऊपर नहीं बैठना है बाबू इस पे। ऊपर मत बैठो अक्षत, सीधे नीचे बैठो इस पे। ये देखो ना इसके साथ खेलो, चढ़ना नहीं है इसको। ये कौन है? हेलो गाइज, गुड इवनिंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी भाई शाम के 5:30 बजे का टाइम है। अब बापू चला गया, थोड़ी देर के लिए आया, आधा घंटा के लिए आया, खेल कूद के अपना चला गया, खूब मस्ती किया है। गया नहीं, मैं उसको छोड़ के आई हूँ। उसके बाद मैंने चाय चढ़ाया, क्या कि शाम का चाय बनाऊंगी, मैं लेट से बनाती हूँ वो आप सबको पता ही है। अभी जैसे काम में लगूंगी, शाम में चाय बनाने के लिए चढ़ा दूंगी, सब्जी काटना, बर्तन लगाना, यही सब का मेरा होगा, क्योंकि अभी शाम हुआ नहीं, जैसे पूजा करने का टाइम हुआ नहीं है। अब पीयूष लेके भी जा रहा है ट्यूशन, इतना देर तो बाबू के साथ खेल रहा था। अब वैसे तो मैंने बताया आपको कि इसका रुचि दीदी है नहीं, पर उसके भैया है घर में, तो उसी के पास वो दोनों चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए। घर में बैठे बैठे अपने से उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो रुचि बोल के गई थी कि भैया के पास चले जाना थोड़ी देर के लिए, वो चले जाएंगे, ज़्यादा दूर तो जाना नहीं रहता, सामने जाते हैं, तो वही अपना ट्यूशन चले जाएंगे, सॉरी चले नहीं जाएंगे, चले भी गए हैं वो। अभी मैं अंदर आई थी तो जा रहे थे, तो अभी चले भी गए हैं। अब मैं अपना काम में लग गई हूँ, चाय मैंने चढ़ा दिया, जितना देर में चाय होगा उतनी देर में मैं अपना बर्तन लगाने का काम कर लूँगी, क्योंकि आज सुबह से बर्तन मैंने लगाया नहीं, सुबह तक का अभी तक रखा हुआ है, सुबह वाला भी है, शाम वाला भी बर्तन हो गया है, तभी सब एक साथ में मैं लगा दूँगी।
जब बर्तन लगाने लगती हूँ तो मतलब जगह कम हो जाता है कि बर्तन रखने का जगह ही नहीं होता है। और जब ज़रूरी रहता है, बहुत सारा काम रहता है, तो समझ में नहीं आता बर्तन चला कहाँ जाता है। सबके साथ मेरे ख्याल से ये होता होगा, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हो जाता है। अब जब मैं लगा रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा कहाँ रखूँ, पूरा मतलब कि स्टैंड जो है पूरा भर जाता है। हालांकि बड़ा बर्तन जो होता है कुकर कढ़ाई ये सब मैं यहाँ नहीं रखती हूँ, इसको मैं नीचे रखती हूँ। जो डेली यूज वाला है वो ये है, जैसे बड़ा वाला कुकर हुआ जो कभी कभार काम में आता है वो उस किचन में रहता है, यहाँ रखने का जगह कम हो जाता है। बड़ा वाला कढ़ाई, बड़ा वाला कुकर है वो यहाँ रखती नहीं हूँ, यहाँ जैसे डेली यूज आता है वही वाला रख देती हूँ। तभी मुझे सब्जी बनाना भी है, मतलब कि खाना भी बनाना है, सब्जी बनाना, सब काम करना है, तो इसीलिए बर्तन को मैंने बाहर निकाल के रख लिया जो मुझे अभी ज़रूरी लगेगा। जितना देर में मैंने बर्तन लगाया उतना देर में मेरा चाय भी बन के तैयार हो गया है। चाय बना के पी उसके पापा को दे दूंगी, उसके बाद शाम का पूजा करूंगी। क्योंकि उस लकी तो चले गए हैं, वैसे तो ज़्यादातर लकी कर देता है, पर अभी वो दोनों चले गए हैं तो मैं ही कर दूंगी। चाय पहले नहीं पीऊँगी, बाद में पीऊँगी, पहले पी उसके पापा को दे दूंगी। फिर जैसे पूजा करने के बाद सब्जी काटने के लिए बैठूंगी तब मैं अपना बैठ के चाय पी लूँगी। जैसे आप सबको पता ही है मैं ठंडा चाय पीती हूँ, गर्म चाय नहीं पीती हूँ। अब मेरा चाय मैं कप में लेती हूँ, फिर उसके पापा का गिलास में, क्या कि उनको कप में पीना पसंद नहीं है, वो स्टील का गिलास में पीना उनको पसंद है। दो चाय बनाए तो ज़्यादा बन गया, आप सब यही चाय पी लीजिए। इसके बाद मैं आ गई हूँ शाम का पूजा करने के लिए। आप सब भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, माता रानी का दर्शन कर लीजिए। 8 बज रहा है, मतलब कि लगभग थोड़ा बहुत मेरा काम हो चुका है, थोड़ा बहुत मेरा बाकी है। रात वाला सब्जी मैंने बना दिया है, आटा लगा के छोड़ दिया, रोटी बनाना जो मुझे बनाऊंगी मैं पहले आपको गिफ्ट दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर मैं दोबारा से भूल जाऊँगी। 4 दिन से तो यही चल रहा है, मैं सोच रही हूँ दिखाऊँगी पर भूल जाती हूँ। ये भी है मतलब कि जो ज़रूरत वाला गिफ्ट है, कपड़ा लगता है वही बचा हुआ है, खाने पीने का सामान तो चॉकलेट सबसे पहले वही ख़त्म हुआ, फल फ्रूट भी अभी रखा हुआ है और मिठाई में भी अभी रखा हुआ, फ्रिज में मिठाई भी रखा है पर चॉकलेट दूसरा दिन ख़त्म हो गया था। और थोड़ा बहुत ऐसा भी सामान है जो इधर से उधर कर देती हूँ, जैसे पीयूष लड़की को मिला है मैं किसी को दे देती हूँ, नहीं तो पीयूष लड़की पूरा खोल के रख देता है। जैसे कलर पीयूष लड़की के पास सेट, बड़ा वाला सेट जो आया गिफ्ट में वो रखा हुआ है वो यूज़ कर रहा है, तो छोटा जैसे आता है वो मैं दे देती हूँ। तो पेंसिल बॉक्स आया वो भी मैंने दे दिया है, जो मेरे पास रखा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो ये वाला है जो मैंने बहुत बार आपको दिखा दिया, दोनों का कौन सा किसका वो मुझे पता, किसका कौन सा किसका है? ये मेरा है, ये पीयूष का है और लकी का ये वाला है। लकी अपने दिखा दे लगी जो इसकी मामी ने दिया, मतलब आराध्या ने, मेरे यहाँ बहन भी भाई को गिफ्ट देती है। और ये वाला है जो इसकी बुआ ने दिया है, ये पीयूष का है, ये लकी इसकी बुआ ने दिया है, पीयूष लकी की बुआ ने दिया है, जो ये खोल के अलग अलग रखा हुआ था, अभी अभी शाम में सही किया है, नहीं खोल के अलग करता, इसको अलग रखता है, इसको अलग रख देता है, क्या करता है इसकी। और ये टीचर डे का है, दोनों ये मेरा अपने टीचर के लिए, पीयूष ने अपने से तैयार किया है इसका लिफाफा, ये तो हम पैक कर रहे हैं पीयूष ने अपने से। उसके बाद मैं अपना दिखा देती हूँ। हालांकि भैया भाभी ने जो मुझे गिफ्ट दिया है वो उन्होंने पैसा दिया, वो अपने से ले लीजिएगा, क्योंकि अपनी पसंद का होता तो दूसरा टीचर। और दीदी ने जो मुझे दिया ये गाउन हालांकि मेरे पास 2 गाउन रखा हुआ, मैं गाउन का यूज बहुत कम करती, इसलिए मैंने पन्नी से इसको निकाला नहीं है। ये कॉटन में है, अच्छा गाउन है, गर्मी के लिए बहुत बढ़िया है, पर वही है कि मैं गाउन का यूज़ बहुत कम होता है, बहुत कम पहनती हूँ, और मेरे पास 2 रखा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको निकालूंगी नहीं, इसको मैं पन्नी में रख दूँगी, जब पहनूँगी तभी निकाल दूँगी, इसको समेट के वापस से रख दूँगी, केवल आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद दीदी ने मुझे दिया है चूड़ी, जो सब लेडीज़ को पसंद आता है ज़्यादातर, इसमें क्या है वो ये वाला दिया दीदी ने मुझे, टीका करने के लिए जो होता है इसको अभी दुर्गा पूजा में मैं नया निकाल लूँगी, अभी तो नहीं निकालूँगी, दुर्गा पूजा में निकालूँगी। इसके बाद ये जरूरी है,
इसका कलर देखिए कितना अच्छा है, साइज छोटा है पर कलर इसका अच्छा है, क्योंकि मेरे पास सब साइज ज़्यादा था, मैं छोटा भी पहन लेती हूँ बड़ा भी पहन लेती हूँ, तेल लगा के मतलब कि लोशन लगा के साबुन लगा के पर अच्छा है। और इसके बाद क्या चीज़ वो कर गया, ये रुमाल है क्लेचर ये सब कर गया, रुमाल इसका है, ये टी शर्ट है जो कि उसके पापा को दी है, दीदी ने दिया है, ये रहा देखिए बहुत अच्छा है इसका कपड़ा, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। ये टी शर्ट दीदी ने दिया है उसके पापा को, और मैंने जो दीदी को गिफ्ट दिया थोड़ा बहुत तो मैंने आपको दिखाया है, कुर्ती अभी तक भी नहीं आया है, ऑर्डर किया हुआ आएगा तो मैं घर जाऊँगी तो दी वहाँ ले जाऊँगी भी बुआ जी को, मैंने मिलने के लिए गई नहीं तो जाऊँगी। ये उसका है जो, और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कलर ये मेरा, हम तो आ रहे हैं नहीं, ये भैया का बड़ा साइज भैया का होता है, छोटा तुम्हारा होता है, ये मेरा है, बाद में तुम पहन लेना वो दूसरा चीज़ है, अभी ये मेरा है। और ये वाला लकी का है, ऐसा का ऐसा सेम आरव का था, ऐसा ही ऐसा आरव का है, मतलब अभी के बेटे का है, और ये लकी का है जो अभी नहीं पहनेगा ठंड में पहनेगा, क्योंकि अभी भी उसका बर्थडे आने वाला है 17 सितंबर को, सॉरी 19 सितंबर को भी उसके पापा का है, और मेरा मैं बताऊंगी नहीं, मेरा मैं बताऊंगी नहीं, उस लड़की को याद है 8 सितंबर जो है, 6 सितंबर जो है, नहीं बता, शांत रहो ना, मैं नहीं बताऊंगी अपना बर्थडे, जब भी उस लड़की को याद रहेगा तभी, नहीं पापा का 9 सितंबर नहीं, ठीक है जैसा तुमको सही लगे वो ठीक है, आप सबका बर्थडे आएगा, मेरे यहाँ सितंबर में सबका बर्थडे आता है, उस समय भी कुछ साथ में है तुम्हारे बर्थडे के साथ, 2 महीना में सब कुछ मनाया जाता है, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, गिफ्ट मैंने आपको दिखा दिया है, अब मेरा जो गिफ्ट है जो मैं लूँगी तब आपको दिखा दूँगी, अभी मैंने लिया नहीं है, मेरा मन है कि मेरे पास कपड़ा भी खूब सारा रखा हुआ है, जो मेरा ज़रूरत का सामान है वही मैं लूँगी, मैं दिखा दूँगी जब भी लूँगी, अभी मैंने लिया ना ही ऑर्डर किया ना ही लिया है, सोचती पूजा में ले लूँगी, पैसा मेरे पास रखा हुआ है, वीडियो कमेंट करूँगी, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी, गिफ्ट मैंने दिखा दिया, अगर आपको पसंद आया है तो जी कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा गिफ्ट आपको पसंद आया है, और वीडियो भी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अब चलते हैं लगते हैं अपने काम में, क्योंकि कल मेरे पास बहुत सारा काम है, आज से तैयारी हो रहा है, क्या काम होगा वो तो कल की वीडियो में आपको दिखा दूंगी, अगर बना पाई तो, क्योंकि ज़्यादा काम होता तो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, कोशिश करूँगी पूरा नहीं बना पाई तो थोड़ा तो आपको दिखाई दूँगी, उसका भी मुझे थोड़ा सा देखना है, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।